श्री श्याम, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सारे अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। तो मेरा काम खत्म हो चुका है आज का, घर का सारा। देखो मैं अपना व्हाइट हाउस दिखाती हूँ आपको। देखो भाई, ये मेरा व्हाइट हाउस व्हाइट ड्राइंग रूम है, हाउस नहीं, ड्राइंग रूम है भाई। देखो, ऑफ वाइट कर्टेन, क्रीम वॉल, वाइट चद्दर, ऑफ वाइट सोफे के कवर। देखो भाई, सारी वॉल भी मेरी क्रीम है ना। पूरा कमरा देखो हमारा क्रीम ऑफ वाइट है बिल्कुल। कैसा लगा आपको मेरा ये ड्राइंग रूम, मुझे कमेंट में बताना। और पीछे से दिखाती हूँ, ये देखो है ना, अच्छा ब्यूटीफुल भाई। मुझे है ना अपना ड्राइंग रूम बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सिंपल सोबर है ना, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सोबर सा, वाइट वाइट सा, क्रीम क्रीम सा ड्राइंग रूम है। तो भाई अभी तो फेयर हो गई है और देखो बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। देखो भाई, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और लंच कर रहे हैं दोनों बच्चे बैठ के हैं। क्यों भाई वीर नहीं आया क्या आज? वीर आज आज है ना, वीर की छुट्टी करवाई थी, वीर को थोड़े से जुखाम खांसी हो रहा था, तो मैंने मन करा है। तो चलाओगी? मैं इतनी देर से बोल रही थी कि आवाज कम कर ले, आवाज कम कर ले, मैंने आवाज कम नहीं करी। देखो कैसे लड़ता है ये मेरे साथ। क्यों नहीं गया था भाई स्कूल तू आज? हाँ, मुझे ये भी पूछ रहा है, क्यों नहीं गया था? क्यों नहीं गया था स्कूल? आप मैं कराई थी। क्या कराई थी? छुट्टी। क्यों करवाई थी ये नहीं पता है भाई? आज वीर की छुट्टी इसलिए कराई थी, वीर के खांसी जुकाम हो रहा था, तो क्लास में भाई और बच्चों को इन्फेक्शन ना हो इसलिए मैंने आज की और छुट्टी करवा दी थी इसकी। आराम है आप तो कल भेजूंगी स्कूल इसको। तो भाई अभी सान्या जा रही है मार्केट, सोनीपत की लोकल मार्केट है जिसको हम कच्चे क्वार्टर भी कहते हैं, और सोनीपत में रहने वाले तो सारे जानते होंगे कच्चे क्वार्टर को। तो चलिए आपको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाते हैं अपना कच्चे क्वार्टर। जा रहे हैं हमारे यहाँ की लोकल मार्केट में अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने, और मेरे साथ जा रही है मम्मी, तो अब चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज हम पहुंच गए हैं अपने यहाँ की लोकल मार्केट में जिसका नाम है कच्चे क्वार्टर, और यहाँ पे आपको हर वैरायटी के कपड़े मिलेंगे। कपड़े ही क्या, मतलब हर सामान मिलेगा आपको यहाँ पे, बर्तन, कपड़े, जूते, चप्पल, सब कुछ। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो गाइज देखो, इस वाली शॉप पे ना बहुत सुंदर सुंदर झुमकिया और इयर रिंग्स वगैरह सब कुछ थे, बहुत ही सुंदर सुंदर थे और बहुत ही कम प्राइस में थे, बिल्कुल हर डिज़ाइन के। सिल्वर ज्वेलरी भी थी और कलरफुल ज्वेलरी थी, मतलब सब डिज़ाइन के थे और बिल्कुल ही रीजनेबल प्राइस में। अगर आपको विजिट करना हो तो आप ज़रूर करना, कच्चे क्वार्टर में है ये शॉप। हमने कर लिए बहुत सारी शॉपिंग और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। और तो भाई अभी हो रही है शाम और देखो हमारे घर में सर्दियों के कंबल निकल चुके हैं और कंबल के कवर चढ़ाए जा रहे हैं। देखो ये देखो, मम्मी कंबल के कवर चढ़ाने लग रही है, उसमें सिलाई करने लग रही है। सारे कंबल निकाल रखे हैं मम्मी ने, कुछ रख दिए बाहर। देखो ये कंबल ये रख दिया मम्मी ने चढ़ाकर कवर। तो भाई अभी तो ये भी रखे हैं कंबल कवर चढ़ाने के लिए। तो बच्चे शाम को खेल रहे हैं, छोटी छोटी गाड़ियां चला चला के कैसे खेल रहे हैं। इन्होंने इस छोटी सी गाड़ी को बना रखा KTM। छोड़ दे बेटा, खेल खेल में तो लगी जाती है, कोई बात नहीं। देखो भैया अंश और ये वीर और तन्मय की लड़ाई हो रही है। देखो देखो भाई यहाँ पे डल रहे हैं कवर कंबलों में, और देखो अयांश ने क्या किया, नीचे तो कंबल निकालने की तैयारी हो रही है और अयांश ने पंखे चला रखे हैं दो दो, वो भी इतनी ठंड में। घनी गर्मी लग रही है।
तो भाई ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। होप करती हूँ आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।